गेस कीजिए, मैं आज आपको ढोल के स्टेप सिखाने वाली हूं। अभी आपके मन में इमीडिएटली आ गया होगा आपके ब्रेन्स में, अरे साड़ी में ढोल के स्टेप्स, वही तो। आप एक बात बताइए, मोस्टली हम इंडियन शादी में तो मस्ट है, साड़ी तो पहनते ही हैं, ठीक है, और आजकल सारे शादियों में तो ढोल तो बजता ही है, बहुत ही जरूरी है। फिर हम लेडीज, अरे साड़ी पहने हैं, इसमें कौन ढोल का डांस करता है, शर्म लगता है, ऐसा फील होता ही है। तो मैं जस्ट वो फीलिंग को, शाय को हटाना है मुझे और आप सबको न्यू स्टेप्स ढोल में सिखाना है। कुछ न्यू है, कुछ रिपीटेड है, कुछ चेंजेस मैंने उसमें किया है ताकि आप साड़ी से कंफर्ट हो और आप करें, आपका जो ढोल में एंजॉयमेंट है वो ये ना हो जाए, अरे साड़ी पहना अब मैं क्या ढोल का डांस करूंगी। नहीं, आपको करना है। मैं आपको ऐसे स्टेप्स सिखाऊंगी, 4 स्टेप्स जो आप खूब वेडिंग्स में ढोल में एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट स्टेप है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो लेग है, राइट लेग आगे आएगा, फ्रंट में क्रॉस में, फिर साइड में आएगा, फ्रंट क्रॉस साइड, फ्रंट क्रॉस साइड। आप लेफ्ट भी सेम करेंगे, क्रॉस साइड, राइट क्रॉस साइड, राइट क्रॉस साइड, ठीक है। अभी आपके हैंड्स कैसे आएंगे, आपको ऐसे रखने हैं, जो भी आपका पॉइंट फिंगर है ऊपर रखना है और हैंड्स नॉर्मली क्या ऐसे आप करते होंगे, अब ऐसे नहीं करना है, आपको फिंगर क्रॉस करना है, सॉरी हैंड्स क्रॉस करना है, फिंगर क्रॉस नहीं, हैंड्स क्रॉस। राइट लेग जब आगे गया तो आपके हैंड्स क्रॉस रहेंगे, भले आप राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर रख लो, नहीं तो ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, लेकिन हैंड्स क्रॉस। फिर जब यहां आएगा तो आपके हैंड स्ट्रेट होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये स्टेप फिनिश नहीं हुआ, हम एक बार करिए 1 2 3 4 2 टाइम्स, फिर आपको यहां पे ये जो लेग है, राइट लेग, राइट लेग को ऐसे करके जंप नहीं करोगे, क्रॉस करके करना है आपको ऐसे, तभी वो पंजाबी ढोल का फील आता है। ऐसे जो ये पोजीशन है ना, ऐसे रहना, ऐसे नहीं, ऐसे पोजीशन अलग होता है, दिस इज डिफरेंट। ये जो लेग है आपका ऐसे, कल मैं जो बोली हूं स्लैंटिंग, ऐसे पूरा स्लीपिंग जैसे रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्लैंटिंग, ठीक है। और फिर आप यहां 1 2, ठीक है, सेम 1 2 3 4, एक बार पूरा स्टेप करें। आपने ये स्टेप्स पहले भी किया या देखा होगा, अब आप करेंगे साड़ी में, हैंड सिर्फ क्रॉस करना है, क्रॉस कीजिए 1 2 1 2, ओके। अभी प्रायर को भी क्रॉस, 1 2, फिर से 1 2 1 2 1 2, अब थोड़ा स्पीड करेंगे 1 2 1 2 1 2, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक बार करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, कम ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं, ये जो लेग है आपको ऊपर उठाना है, लेफ्ट या राइट लेग जब उठेगा तो अदर लेग स्टैंड होगा, भले थोड़ा सा ऐसे डिप करता रहेगा, ठीक है। स्टेप बहुत इजी है, ये अब हम म्यूजिक में करके देखते हैं, ओके। आपको सिर्फ शोल्डर, लेग्स का कोई काम ही नहीं है,
लेग सिर्फ बेंड होंगे, आपको शोल्डर को मूव करना है। कैसे? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक बार इस तरफ 4, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, बस इतने ही हैं। अब हैंड्स देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4। आपका लेग का कोई काम नहीं, यहां पे आपके शोल्डर से लेके कमर तक मूव करना है। तो ये तो आप साड़ी में कर सकते हैं, आप साड़ी पहने हैं कर नहीं पा रहे ढोल में, एटलीस्ट ये तो कोई भी कर सकता है। ओके, ये मैं स्टेप्स सारे घर में आपकी दादी नानी चाची मामी जितने भी हैं आप उनको बोलिए अब ये नहीं चलेगा ढोल में आप देखें या बैठें, आपको शादी में ढोल में करना है डांस, ये बोलिए। और ये स्टेप स्पेशली उनके लिए है जो नहीं करके बैठ जाते हैं। ओके, तो ये कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कोई भी कर सकता है। तो चलिए हम सेकेंड स्टेप को, बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। अभी मैं आपको थर्ड स्टेप सिखाती हूँ। थर्ड स्टेप में आप पैर ऐसे रखेंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में, जस्ट थोड़ा सा ऊपर कीजिए, राइट लेग, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ठीक है। तो अभी हैंड्स कैसे, हैंड्स थंब बिन जाएगा, हैंड्स ऐसे टर्न करेंगे, राइट टर्न लेफ्ट टर्न। देखिए अभी पैर थोड़ा हल्का सा ऊपर, हल्का सा, राइट लेफ्ट लेग वैसे ही रहेगा, और जब लेफ्ट करेंगे तो राइट वैसे ही रहेगा, हल्का सा। आप साड़ी में भी ये स्टेप इजीली कर सकते हैं। 1 2 हल्का सा जस्ट ऊपर उठाना है और कुछ भी नहीं है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये स्टेप में थोड़ा ऐड करेंगे, 1 2 किया 3 4, ये तो आपको आता है, आप वही खड़े होके कर सकते हैं, पैर का कोई काम नहीं है। पैर आपने ऐसे रखा, 1 2 किया 3 4, ओनली शोल्डर फिर से मूव करना है, फिर लेफ्ट लेग 1 2 3 4। इस डायरेक्शन में है तो इधर दो बार, इस डायरेक्शन में तो इधर दो बार, ठीक है। तो चलिए म्यूजिक में ना, राइट लेग ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, सिर्फ आपको आगे टैप पीछे टैप, आगे टैप पीछे, राइट लेफ्ट, फिर फ्रंट फिर बैक, फिर फ्रंट फिर बैक। ओके, फ्रंट पोजीशन, फ्रंट पोजीशन, ठीक है। हैंड्स कैसे करेंगे, 1 2 3 4 1। अभी हैंड्स मैंने बताया 1 2 करेंगे, 3 और 4 करेंगे। अभी फिर से शोल्डर्स, ये पंजाबी ढोल भांगड़ा में आपको शोल्डर का ही काम ज्यादा रहता है, पैर का भी रहता है, लेकिन पैर जिनको नहीं यूज करना वो शोल्डर से भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसे किए तो कैसे आएगा, 1 2 3 4। अब शोल्डर को मूव कर सकते हैं, 1 2 3, फिर से ये ऐड कर सकते हैं, जो इसमें आपने ऐड किया ऐसे वैसे ही आप जब नीचे आए ऊपर गए फिर से ऐसे, फिर नीचे आए ऊपर गए फिर से शोल्डर मूव। ओके, तो एक बार करके देखें, 1 2 3 4। हैंड कैसे रखना है,
आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे ओपन भी रख सकते हैं, ओके कैसे भी रख सकते हैं, दोनों पोजिशंस पे रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैंड जब नीचे आएगा तो देखिए दोनों ऐसे मिक्स होंगे, जब हैंड नीचे आएगा दोनों ऐसे मिक्स होंगे, फिर ओपन होगा, फिर 1, 2 फिर मिक्स, फिर ओपन 1, 2 राइट साइड मिक्स ओपन 1, 2 लेफ्ट साइड मिक्स ओपन 1 और 2 ओके तो चलिए एक बार करते हैं। 1 आपको पैर को क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा जंप, कुछ नहीं है, राइट को जंप पोजिशन फिर लेफ्ट जंप पोजिशन, राइट जंप पोजिशन फिर लेफ्ट जंप पोजिशन, ठीक है बस इतना ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हल्का सा जंप 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 आपको नहीं करना है, आपके लेग्स को जंप करवाना है, ऐसे उठा के नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का सा लेग्स को जंप करवाना है। तो चलिए एक बार ये स्टेप हम म्यूजिक दो दो ऐड हुआ है, और जो दो स्टेप ऐड हुए हैं वो शोल्डर मूव है, सारे सिंगल स्टेप्स के साथ शोल्डर मूव ऐड कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा, स्टेप्स भी ज्यादा बनेंगे आपके और आप ज्यादा देर तक वेडिंग ढोल में डांस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो चलिए ये सारे स्टेप्स फटाक से म्यूजिक में करके आपको पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।